यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला, जबकि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके। राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख दौरे पर है। इसी बीच राहुल गांधी आज लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत और चीन को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी उथल पुथल मच गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने यहां के लोगों की जमीन छीन ली है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक भी इंच जमीन नहीं खोई है, लेकिन लद्दाख में ये सच नहीं है। वहीं अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कभी राहुल गांधी के करीबी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर करारा हमला बोलते हुए अपने गिरेबान में झांकने तक की सलाह दे डाली। आइए आपको पहले सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिससे ये बवाल शुरू हुआ, फिर सुनिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर क्या कुछ कहा। Here the concern is of course the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। राहुल गांधी जी ने लद्दाख के लिए कहा है कि चीनी सेनाएं घुसाई हैं, और प्रधानमंत्री जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला, जबकि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अब एक नए मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब ये मुद्दा जनता पर और आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।